एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है नवरात्रि के दिन का, अभी सुबह का मेरा अभी जस्ट गया है ब्लॉग, ये शाम हो रही है और मैंने 5:30-6 के करीब में मैंने वीडियो अपलोड किया है। अभी हो रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी, और मैं चल रही हूँ प्रसाद बनाने। ये मैं शाम का देखिए अंधेरा हो चुका है, सामने आप लोग देख लीजिए लाइटें जल रही है, अंधेरा हो चुका है और मैं चल रही हूँ प्रसाद बनाने। प्रसाद में मैंने उस दिखाया था आपको, छोटी वाली कढ़ाई में लाई थी, तो छोटी वाली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी हलवा माता रानी के लिए। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाऊँगी। और मैं कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे 3 आइटम बनाने हैं। मेरी बेटी खाएगी साबूदाना, मैं और मेरी सास साबूदाना हम लोग व्रत में नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए मैं बनाऊँगी आलू फ्राई, आलू को फ्राई करूँगी और हलवा बनाऊँगी। तो आलू और हलवा मिला कर मैं खा लूँगी। और फिर अभी खाना भी बनाना है, तो पहले चलूँगी प्रसाद की तैयारी करूँगी। प्रसाद बनाकर आरती पूजा जो भी होता है सब कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा भजन में करती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए मेरे किचन में। और दिन भर आप लोग का कैसा बीता? मैंने दिन भर का मैंने आप लोग को दिखाया, मैंने जब आप लोग को भजिया बनाया था वहाँ तक आप लोग को दिखाया। उसके बाद घर वालों के लिए खाना पीना बनाना था, थोड़ी देर आराम किया मैंने। ये सब करते मेरे को 3:30 हो गया, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर 4:30 बजे से लगी हूँ झाड़ू पोछा। पहले सबको चाय बना कर दिया सबको, फिर उसके बाद अलग से व्रत वाले लोग के लिए सबके लिए चाय वगैरह बना कर सबको दिया, फिर झाड़ू पोछा किया, पूजा का जो भी बर्तन वर्तन था सब माँज वाज कर फिर खुद नहाई। तो नवरात्रि में ज़्यादातर हो तो लाल पीली साड़ी पहननी चाहिए, तो सुबह में भी मैंने लाल पीली साड़ी पहनी थी। इस टाइम भी मैंने ये वाली साड़ी देखे मैं मिरर में दिख रही हूँ, तो मैंने इस टाइम भी पहन ली। माता को तो हर कलर पसंद है, पर माता रानी ज़्यादातर लाल पीले पर ज़्यादा खुश होती हैं, तो हो सके तो लाल पीले ही ज़्यादातर पहननी चाहिए साड़ियाँ अगर आपके पास हो तो। तो मैं चल रही हूँ बनाने, बातें हो गई बहुत, आप हो जाएंगे बोर, और चलिए किचन में। फिर उसके बाद आरती वारती में सब आप लोग को दिखाऊँगी, तो चलिए मेरे किचन में, बाय बाय, किचन में मिलती हूँ। देखिए मैंने साबूदाना भिगा कर रखा हुआ है, ये मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं और ये मेरी पूजा का बर्तन धुला हुआ है, तो चलूँगी मैं हलवा बनाऊँगी, हलवा बनाकर फिर प्रसाद चढ़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो ये नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये मेरा कल शाम का क्लिप है, तो मैंने आगे आप लोग से बात किया, तो ये मेरी जो नई वाली छोटी सी कढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आप लोग से बोला था कि मैं नवरात्रि में कुछ मीठा बनाऊंगी, तो वही मैं मीठा बनाने जा रही हूँ। पहले नया बर्तन है तो हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर फिर देखिए उसमें मैं जा रही हूँ भोग के लिए सिंघाड़े का आटा का हलवा बनाने। तो थोड़ा सा मैंने वो डाल लिया घी या तेल में, तो मैं मीठे तेल में बना रही हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि सिंघाड़े के आटे में ना घी डाले तो बहुत स्मेल आती है, तो इसके लिए फिर मैं वो मीठे तेल में ही रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। फिर भूज भाज कर लाल हो जाएगा, तो फिर उस पानी इसको डायरेक्टली सूखा नहीं डालते हैं, थोड़ा घोल कर डालते हैं। और थोड़ा सा पानी और शक्कर मैंने देखिए गर्म कर लिया है, घोल कर डालते हैं तो थोड़ा सा ही पानी रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, और फिर उसमें खोल जाएगा तो उसमें वो घोल को डाल देंगे। और मुझे हो गई है बहुत ज़बरदस्त वाली सर्दी, क्योंकि दो दो तीन तीन बार नहाना पड़ता है। और देखिए मेरा हलवा रेडी हो गया है, थोड़ा सा और सूख जाएगा, ये ज़्यादा सुखाते नहीं क्योंकि ये बर्फ़ी की तरह जम जाती है, तो ऐसे थाली में इसको फैला कर पीस काट लेते हैं। तो हो गया मेरा प्रसाद रेडी, तब आरती करने चलते हैं। तो देखिए मेरी सास टहल कर आई हैं, तो हम लोग दोनों लोग आरती कर रहे हैं, तो आप लोग आरती में शामिल हो जाइए। देखिए हम लोग आरती कैसे कर रहे हैं, पहले मैं गणपति जी का करती हूँ, फिर माता जी का करती हूँ, फिर लास्ट में हनुमान जी का करती हूँ। मेरा डेली प्रतिदिन की पूजा में 3 आरती में ज़रूर करती हूँ। और आरती करने के बाद चलिए आप लोग भजन का आनंद लीजिए।
अगर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।